हाय तनीषा, वेलकम टू टेलीग्राम। सो फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशंस, क्या कहना चाहोगे? ये शो है और शो का जो कंसेप्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है और पंजाब से रिलेटेड है। सो हाउ मच यू रिलेट योर सेल्फ विथ योर कैरेक्टर? सो फर्स्टली थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू से दैट हीर बहुत ही अलग कैरेक्टर है। हीर एंड रांझा इज़ अ वेरी आइकॉनिक कपल, सो वी कैन नॉट कंपेयर, बट हीर नाम में इतना दम है ना कि मैं सुन के ही बहुत खुश हो गई थी दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग हीर। बस हीर के कैरेक्टर में मैं ये बताना चाहूँगी दैट शी बिलोंग्स फ्रॉम अ जट फैमिली। वो एक एस्पायरिंग लॉयर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत चुलबुली है, बबली है। उसके लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं शादी के बाद कि शी डजंट नो व्हाट टू डू, बहुत वीक हो जाती है, बट उसका बचपन का दोस्त, उसका साथी, उसका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रांझा ने काफ़ी उसकी मदद करी है और करते रहता है, एंड दैट इज़ हाउ शी बिकम्स पंजाब की शेरनी। ओके, पंजाब की शेरनी के साथ साथ यू आर इंस्पायरिंग यू नो लॉयर आल्सो। तो लॉयर की अगर बात करें तो कितना कुछ वर्कआउट किया है लॉयर के यू नो बिहेवियर में रहने के लिए? हम डेली ऐसे कोई सीन कर, मतलब शी इज लर्निंग, ठीक है, शी हैज नॉट बिकम अ लॉयर ये, वो सीख रही है एंड शी इज गोइंग टू बिकम अ लॉयर आगे जाके। सो इवन आई एम लर्निंग व्हाइल ही इज लर्निंग, सो बट डेली कोई ना कोई डायलॉग में सेक्शन आ ही जाता है। जैसे कल हमने किया था सेक्शन 503 या सेक्शन 415 के तहत लैंड ग्रैबिंग जुर्म है एंड ऑल दैट। सो या इट्स नाइस, इट्स फन, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ओके, इस शो में तो आप लॉयर बनी गई हो, लेकिन बन रही हो, पढ़ाई कर रही हो, बट अगर आपसे रियल लाइफ की बात करें हम, सो इफ नॉट एन एक्टर देन व्हाट? इफ नॉट एन एक्टर देन व्हाट? यस, बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। ओके, इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन। आई एम वेरी मच इनटू द क्रिएटिव फील्ड। हाँ, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, ये सेट वगैरह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, सो दैट इज़ माई प्रोफेशन। ओके, अभी जब लॉयर की यू नो थोड़ा बहुत कैरेक्टर के अंदर ही जो भी स्टडी चल रही है, तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना इन्जॉय कर रही हो, कितना हेक्टिक लगता है? हेक्टिक तो है, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। इट्स नॉट लाइक आपको आगे और सब कुछ आता है, नो, हर दिन कोई नया सीन मिलता है, कोई नई लाइन्स आती है, नए डायलॉग्स आते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी और कभी बोली भी नहीं होगी। जैसे आपने कहा यू नो एक आइकॉनिक कपल है हीर और रांझा, आइकॉनिक कपल हमारे DDLG की भी थे, सो कुछ ऐसा अगर सीन करने मिले यू नो सो क्या कहना चाहोगे? वहाँ पर चंडीगढ़ में आपके शूट भी हुए, तो कुछ ऐसा सीन किया? BTS की अगर बात करें तो कुछ बता दीजिए। ऐसा सीन किया था कि रांझा ट्रैक्टर के ये साइड से आ रहा है, एक ट्रैक्टर है बीच में, मैं खेत में भाग रही हूँ, वो आइकॉनिक सीन कि मैं खेतों में भाग रही हूँ। सो या बट हमारा खेत थोड़ा अलग टाइप का था। ओके, इस किरदार की अगर बात करूँ, जब अप्रोच किया गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जो आपके दिमाग में आया? एज आई टोल्ड यू, ही नाम में इतना दम है एंड इट्स माई फेवरेट, मतलब आइकॉनिक कपल, सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग हीर। एंड जब मैंने कहानी सुनी कि वो सेम कहानी नहीं है, कोई अलग ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, तो आई बिकेम मोर एक्साइटेड। थोड़ा सा अगर स्टोरी लाइन के बारे में आप बता दीजिए अपने फैंस। स्टोरी लाइन तो यही है दैट यू गेट टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्वीट इनोसेंट गर्ल बिकमिंग पंजाब की शेरनी, एंड वो सारा प्रोसेस क्या होता है उसके साथ, इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ। ओके, ये किरदार की अगर बात करें, बीइंग अ नॉन यू नो पंजाबी, कितना दिक्कत हुई आपको पंजाबी लैंग्वेज में बात करना, या व्हाट वाज द वन चैलेंज दैट यू आर फेसिंग इन योर कैरेक्टर? इट वाज द चैलेंज वाज ऑफ स्पीकिंग पंजाबी। लकीली मतलब आई कैन स्पीक, अभिनय स्क्रिप्ट मिला तो इट्स वेरी इजी। अभिनेश जी ऑल्सो सेड दैट, ऑडिशन देखा उन्होंने, उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं पंजाबी नहीं हूँ। बट बात तभी आती है जब आपको डेली बोलना है, एक दिन बोल दो, एक सीन में बोल दो, ठीक है, लेकिन आपको बैक टू बैक बोलना है, तो इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज आई एम फेसिंग, बट आई हैव ऑलमोस्ट फेस्ड एंड ओवरकेम इट बिकॉज व्हाट आई डू इज़ आई रीड द स्क्रिप्ट्स ओवर एंड ओवर अगेन। शॉर्ट के बीच में भी मैं लाइंस करती रहती हूँ, बार बार करती रहती हूँ, ताकि वो एक बार बैठ जाए ना जुबान पर, तो वो नेचुरली निकले।
talking about the bond with Avinash. So how's the bond with Avinash? Or first, जब आपने देखा था interaction हुआ था, so क्या आप दोनों का reaction था? So usually hero heroine तो according to the process mock shoot पे मिलते, but हम mock shoot पे नहीं मिले थे, क्योंकि हमारा mock shoot साथ में हुआ ही नहीं था. मतलब इन्होंने हमारी जोड़ी तभी देखी थी जब हम अमृतसर में promo की shooting करे थे. Okay. Yeah. So they did not test the jodi before. They saw, they were like, हाँ इन लोग अच्छे ही दिखेंगे. फिर हम अमृतसर में शूटिंग करेंगे. They were like, wow, we made the right choice. So, but we met at the airport and our conversation flowed very naturally and very nicely. तो हमारी chemistry तो वहाँ से ही बन गई थी. Okay. On screen और off screen bond की बात करें, you know, क्या कुछ अविनाश से आपको सीखने मिलता है? अविनाश जी से तो obviously बहुत कुछ सीखने मिलता है. He's a senior in a good way and he's done a lot of work, he has a lot of experience, so I feel like there's always something to learn from him and I take it as a good thing. Okay. आपके अगर किरदार की बात करूँ या शो की बात करूँ, स्टोरी लाइन की बात करूँ, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू सी इन योर कैरेक्टर और प्लॉट और यू नो जिसके बाद आप लेते हो शो? व्हाट आई सी इन माय कैरेक्टर एज एन आप कोई भी शो के लिए आपको अप्रोच किया जाता है, सो आप स्टोरी लाइन देखते हो या कैरेक्टर देखते हो, क्या देखते हो? ऑफ कोर्स वी सी द स्टोरी, वी सी द कैरेक्टर, बिकॉज हम खुद भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग इंस्पायर हो, लड़कियाँ इंस्पायर हो. तो जब मुझे स्टोरी पता चली थी, आई सॉ कि ये लड़की तो लोगों के लिए एक आइकॉन बन सकती है एंड इट्स माई जॉब टू मेक इट आइकॉनिक. लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, हमारे प्रोमो को आपने इतना सारा प्यार दिया, बस ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहिए और देखते रहिए एक कुड़ी पंजाब दी ओनली ऑन ZEE. थैंक यू सो मच. थैंक यू.